हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग होपफुली यू गाइस आर फिट एंड फाइन आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही हैं और आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से तैयार कर लिया है अगर प्रीवियस लेक्चर अच्छे से तैयार नहीं है तो आपको आगे का लेक्चर अभी नहीं चालू करना चाहिए पहले वो लेक्चर तैयार करें फिर आगे बढ़ें ऑल लेक्चर्स आर इंटर कनेक्टेड एज वी नो एन सी आर टी एक दूसरे से हर चैप्टर काफ़ी कनेक्टेड है उसी तरह से सारे लेक्चर भी एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है बीच में अगर आप स्किप करेंगे तो इट इज़ हार्ड टू ग्रेस्प हार्ड टू अंडरस्टैंड तो बेटर आप पहले वो लेक्चर को तैयार करें फिर इस लेक्चर पर आएँ हर लेक्चर को तैयार करने के लिए कम से कम पाँच बार वीडियो को देखें रिवाइज करें मेमोराइज करें तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा और आसानी से हम लोग आगे चलेंगे तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर टू किंगडम मोन्ड्रा इट इज़ ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं इवन इन हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल यहाँ तक कि एक मुट्ठी सॉइल में भी सैकड़ों बैक्टीरिया होते हैं they also live in extreme habitats such as hot springs desert snow and deep oceans bacteria bahut hi harsh kathin paristhitiyon mein bhi paaye ja sakte hain jaise hot springs registan, बर्फीले प्लेस और deep ocean में many are parasites बहुत सारे परजीवी भी होते हैं बेस्ड ऑन शेप मेनली बैक्टीरियाज आर डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज शेप के आधार पर बैक्टीरिया को चार कैटेगरी में बांटा गया है कोकस स्पैरकल बेसिलस रॉड शेप विब्रियम कॉमा शेप इस्पायरम इस्पायरल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स सॉरी bacterial structure is very simple but they are complex in behavior bacteria ka structure bahut hi simple hota hai lekin inka behavior bahut complex hota hai and they show extensive metabolic diversity और ये बहुत ज़्यादा metabolic diversity show करते हैं. some bacteria are autotrophic means दे कैन synthesize फूड फ्राम inorganic ऑर्गेनिक बहुत सारे बैक्टीरिया आटोट्राफिक होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं एंड मेजोरिटी आर हेट्रोट्रॉप्स और बहुत ज़्यादा हैट्रोट्रॉप्स होते हैं दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज़म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड वो दूसरे ऑर्गेनिज़म या दूसरे मैटर पे भोजन के लिए डिपेंड होते हैं

वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं साल्टी वालों को हम लोग हेलोफाइल्स कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स वालों को थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं और दलदली प्लेस पे पाए जाने वालों को मिथेनोजेंस कहते हैं आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट डिफरें प्लेस पे जो सरवाइव कर पाते हैं उसकी बहुत बड़ी वजह है उनमें पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ सेलवॉल आरकी हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देअर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन मिथेनोजेंस आज इन गट्स ऑफ रेमिनेंट एनिमल्स मिथेनोजेंस जुगाली करने वाले जानवरों की गट में पाए जाते हैं जैसे काउस एंड बफेलोज दे प्रोड्यूस मीथेन ये मीथेन और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं इन एनिमल्स के गोबर से यानी फ्राम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स यू बैक्टीरिया जिन्हें हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं दे आर करेस्टराइज बाई द प्रजेंस ऑफ अ रिजड सेल वॉल एंड अ फ्लैजलम इफ मोटाइल नॉर्मली इनमें रिजड सेल वॉल होती है और एक फ्लैजलम होता है दे इनक्लूड आटोट्रॉफ्स इनमें आटोट्रॉफ्स आते हैं ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं एंड हेटरोट्रॉफ्स। नाउ वील टॉक अबाउट फर्स्ट वन दैट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एग्जांपल एग्जाम्पल इज साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट इनमें हरे पौधों की तरह क्लोरोफिल ए होता है साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस ये एक कोश की हो सकते हैं कॉलोनी में रहने वाले या फिलामेंटस हो सकते हैं मैरीन और टेरेस्टियल एल्गी ये समुद्री हैं या टेरेस्ट्रियल हैं कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ कॉलोनीज जर्नली जिलेटिनस सीथ से घिरी हुई होती हैं जिलेटिनस सीथ कॉलोनीज के चारों ओर पाई जाती हैं दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज जो बहुत ही प्रदूषित पानी वाली जगहें हैं वहाँ पे ये ब्लूम बनाती हैं सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमोस्फ्रिक नाइट्रोजन उनमें से कुछ एटमोस्फ्रिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं अपनी विशेष सेल में जिन्हें हम लोग हैट्रोसिस्ट कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबीना है स्पेशल सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंटे समॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन नेक्स्ट वन इजीमसिथेटिक्रॉफ दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं सच एस नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स एंड अमोनिया और उनसे निकलने वाली एनर्जी को एटीपी के फॉर्मेशन में यूज करते हैं एटीपी के प्रोडक्शन में यह रिलीज एनर्जी यूज की जाती है दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर और कीमोसिंथेटिक आटोड्रॉप विभिन्न प्रकार के न्यूट्रीन की रिसाइकलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं एंड दे आर मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स और ज़्यादातर ये डिकम्पोजर का काम करते हैं इम्पैक्ट ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन ह्यूमन पे इनका क्या असर होता है दे आर यूज टू मेक कट फ्रॉम मिल्क ये दूध से दही बनाने में यूज होते हैं दे आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ये एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होते हैं दे यूज इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भी यूज़ होते हैं सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स क्रॉप्स फॉर्म एनिमल्स एंड पेड्स फॉर एग्जाम्पल कॉलरा टाइफॉइड टिटनेस एंड सिट्रस कैंकर बहुत से पैथोजेनिक होते हैं बीमारियां उत्पन्न करते हैं जैसे कॉलरा टाइफाइड टिटनेस और सिट्रस कैंकर ये बीमारियां बैक्टीरिया से ही होती हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया मेनली बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाई फिज़न बैक्टीरिया ज़्यादातर फिज़न से रिप्रोडक्शन करते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्ट्स अपनी ऑट कंडीशंस में विपरीत परिस्थितियों में वो स्पोर्ट्स उत्पन्न करते हैं दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडोप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डी एन ए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इनमें कभी कभार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डी एन ए का ट्रांसफ़र होता है माइक्रोप्लाज्मास को भी मोनरा में रखा गया है दे आर ऑर्गेनिज्म विदाउट ए सेल्वाल इनमें सेलवॉल नहीं पाई जाती है दे आर इस्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन ये सबसे छोटे अब तक देखे गए ऑर्गेनिज्म में हैं दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स और ज़्यादातर ये बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में